सर क्या कहेंगे जो मनसे ने विश्वविक्रमी दही हंडी का ऐलान किया है और दही हंडी का पूरा जो है पक्ष स्थापने के पहले आपने ही किया है, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? सर 2006 में हमारी पार्टी का जन्म हुआ है और उसी साल हमने आदरणीय राष्ट्रपति साहब के अनुमति से उनकी परमिशन लेके हमने दही हंडी चैंबर में स्टार्ट किया। उसके लिए हम कभी भी पढ़ोगे तो हमारे बैनर पे होता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आयोजित दही हंडी, और 2006 से लेकर आज तक हम लोग कंटिन्यूटी दही हंडी लगातार 15 साल दही हंडी कर रहे हैं। लास्ट पिछले 2 साल से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व पे कोरोना का जो साया गंदा साया आया है उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने जरा दही हंडी नहीं करने का, और लोगों में क्योंकि दही हंडी में लाखों लोग आते हैं और हमारी दही हंडी तो टचूर ऊपरवाली की मेहरबानी से, भगवान कृष्ण की मेहरबानी से, राधे श्याम की मेहरबानी से बड़े पैमाने में होती है, जहां पर एट ए टाइम एक समय में कम अज कम 50 से 1 लाख लोग खड़े रहते हैं, और वो भी हमारी जगह छोटी होने के बावजूद इतनी पब्लिक रहती है। और उसकी मतलब मद्देनजर रखते हुए कि लोगों की जान और माल ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग दही हंडी को स्थगित दी दी थी। लेकिन अभी हमारे कुछ थाना के जिला अध्यक्ष और थाना के जो हमारे नेता है, इन दोनों ने डिक्लेयर किया है कि कोविड का पूरा इंतजाम करते हुए वो लोग दही हंडी रखने वाले हैं, लेकिन सन्माननीय राष्ट्रपति साहब ने अभी तक कोई आदेश नहीं दिया हुआ है, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उनके साथ में कुछ बात होगी तो, लेकिन मुझे तो कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है ना, मुझे कुछ पक्ष की ओर से कोई आदेश आया हुआ है कि ये दही हंडी कर रहे हैं। जलयुक्त जो शिवार है उसके बाद उसके विषय में देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर कार्रवाई होने की संभावना है और ऐसे एसआईटी ने बोला है। जलयुक्त शिवार ये मराठी वर्ड हो गया, ये जल संसाधन की जो परिभाषा है, ये मेरा जो खेती में काम करने वाला मेरा बांधव है, मेरा भाई है, ये उनके जीवन मर्म का प्रश्न है, और उसके अंदर अगर यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो यकीनन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ ईडी का समन्स आ रहा है, ईडी का नोटिस आ रहा है, उसके लिए आप कुछ खोद खाद के अगर जलयुक्त के नाम पे कोई इंक्वायरी भी डाले तो गलत होगा। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी 100% इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर उसमें वो दोषी पाए गए तो उनके ऊपर सजा होनी चाहिए।